हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मारुति कंपनी में काम करने वाले 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टरों पर युवक को दवा देने के बाद युवक की मौत हो गई। बाद में दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरएमपी डॉक्टर फहीम और सुभान के खिलाफ आईपीसी की धारा -304 2201 और 34 के तहत मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू दी है। दरअसल बीती 26 सितंबर को आईएमटी इलाके के पीजी में रहने वाले लीलाधर को बुखार के चलते नजदीक के आरएमपी डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया, जहां दवा लेने के बाद अचानक से लीलाधर की हालात बिगड़ने लगी और कुछ देर में लीलाधर की मौत हो गई। इससे घबराए बिना डिग्री के क्लिनिक चला रहे फहीम और सुभान दोनों ने लीलाधर के शव को अलियार रोड पर फेंक फरार हो गए। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने बीती 26 सितंबर को अलियार गांव के पास से अज्ञात युवक का शव बरामद किया था। तफ्तीश के दौरान मृतक की पहचान 20 वर्षीय लीलाधर के तौर पर सामने आई थी, जो कि राजस्थान के चुरू का रहने वाला था और मारुति कंपनी में ट्रेनी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी में पाया कि कैसे लीलाधर को पहले क्लिनिक लाया गया और कैसे लीलाधर की मौत के बाद फहीम और सुभान शव को रोड पर फेंक दिया और फरार हो गए थे। इस मामले में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे कि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके, लेकिन मृतक के परिजनों ने गुरुग्राम पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है।